कई राज्यों के राज्यपाल रहे अजीज कुरैशी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पत्रकारों से चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए 2022 में सभी राजनीतिक पार्टियों को एक साथ चुनाव लड़ना चाहिए और इसके लिए वे कोशिश भी कर रहे हैं कि सभी सेक्युलर पार्टी एक साथ बीजेपी के खिलाफ लड़े। साथ ही उन्होंने कहा कि मुस्लिम वोट लेने के लिए सभी पार्टियों में होड़ लगी हुई है, लेकिन इस बार मुस्लिम वोट ओबीसी को चला जाएगा। वहीं कृषि बिलों को वापस लेने पर कहा कि सरकार को इसी तरह से ये कानून भी वापस लेना चाहिए क्योंकि यह संविधान विरोधी कानून है। चार उनका धर्म, उनकी मान्यताएं सब मिट जाएं, तो वही उसका हिस्सा है, वो है बनाने का। इससे बड़ा अन्याय नहीं हुआ कहीं। संविधान के साथ बलात्कार किया है उन्होंने, ये मुसलमानों को अलग करके उससे बलात्कार किया है, संविधान किया गया, वापस होना चाहिए उसको। बिल्कुल, जिस तरीके से किसानों का तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं इस कानून को वापस ले, किसानों को उसको विश्वास नहीं है, उनके शिष्य को लिखत में वापस विश्वास कायम किया उन्होंने। 10-15 लाख रुपये, 10 करोड़ रोजगार, 5-5 ट्रेन की इकोनॉमी है, 4.4 दर है विकास दर आपका, बकमरे में एक्सपेक्ट हो गया नंबर आपका 51 से, और क्या बुरा किया आज तक उन्होंने, बताइए मुझे आप।